नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं सेप्टिक टैंक का डिज़ाइन कैसे करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक ये आपका टॉपिक है AR302, आर्किटेक्चरल ब्रांच का 302 नंबर का कोड है, बिल्डिंग सर्विसेज सब्जेक्ट का नाम है। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, तो इसका थोड़ा मैं डायग्राम आपको पहले समझा देता हूँ। सेक्शन दिया हुआ है और प्लान दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं इसका प्लान। दिस इज़ योर प्लान, ठीक है। तो इसमें देखिए, एक तो है इनलेट, जहाँ से आपका सीवेज आएगा। सीवेज कहाँ से आएगा? आपका हाउस का सीवेज आपके सेप्टिक टैंक पे आएगा थ्रू आफ्टर इंटरसेप्टिंग ट्रैप। तो इंटरसेप्टिंग ट्रैप के बाद आपका इनलेट यहाँ पे आएगा। इनलेट आके यहाँ पे देखिए, यदि आप प्लान और सेक्शन को साथ साथ देख पा रहे हैं, तो देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये तो इनलेट हो गया आपका, ठीक है। और उसके बाद ये देखिए, इनलेट यहाँ पे आके आपका जो भी है सीवेज है, सीवेज में लगभग 90% वाटर होता है, 10% सॉलिड्स होते हैं। तो जो सीवेज यहाँ पे आया, सीवेज आने के बाद यहाँ पे देखिए कुछ टाइम तक रहेगा, और जैसे ही ओवरफ्लो होगा ये आगे वाले चैम्बर पे जाएगा। यहाँ पे दो चैम्बर बने हुए हैं, बीच में एक स्टैंडिंग बेफल वाल आपको दिख रही होगी। देखिए ये रही स्टैंडिंग बेफल वाल, ये वाली, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे और साथ में क्या है, ये जो पूरा एक स्लोप में बनाया हुआ है, तो पानी क्या होगा, जितनी देर पानी या सीवेज जितनी देर इसमें ठहरेगा, तो जो सीवेज के साथ जो सॉलिड्स होंगे, जो भी छोटे मोटे किसी भी प्रकार के सॉलिड्स होंगे, वो क्या करेंगे, धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, वो सेटल हो जाएंगे नीचे की तरफ, है ना। तो नीचे सेटल हो जाएंगे, और जो भी आपका पानी होगा वो यहाँ से ओवरफ्लो होके नेक्स्ट चैम्बर में यहाँ पे आ जाएगा। और फिर जैसे जैसे और आपका इनलेट वाटर आएगा, तो जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो आउटलेट से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। लेकिन एक खास बात, आउटलेट में लगभग क्या रहेगा, पानी बचेगा, सॉलिड सारे कहाँ हो जाएंगे, यहाँ पर सेटल हो जाएंगे, और जो बचे कुचे थोड़े हल्के सॉलिड्स होंगे, जो हल्के वाले सॉलिड्स होंगे वो इस वाले यहाँ पर आके सेटल हो जाएंगे। सेटल होने के बाद आप लोग देख रहे होंगे, एक 1:20 का स्लोप इधर दिया हुआ है और एक 1:10 का स्लोप इधर दिया हुआ है। तो इस स्लोप के थ्रू जो भी आपके सेटल्ड सीवेज होगा, सेटल्ड सॉलिड्स होंगे सीवेज में, वो कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, कलेक्शन चैम्बर। इसे क्या बोलते हैं अपन, कलेक्शन चैम्बर में आ जाएंगे। तो कलेक्शन चैम्बर में, और जो ये सॉलिड्स होंगे धीरे धीरे स्लज में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि देखिए जो आपका सेप्टिक टैंक होता है उसकी सफाई क्या करते हैं, लगभग साल भर में, दो साल में कराई जाती है। तो साल दो साल में ये जो आपका सॉलिड होगा वो स्लज में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे एक पाइप को दिया हुआ है, यहाँ से अपन स्लज को पंप द्वारा निकाल लेंगे। देखिए सेप्टिक टैंक बनाया कहाँ जाता है, जैसे जयपुर, दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में आपका सीवेज सिस्टम्स होता है, वहाँ सीवेज पाइप्स होता है, तो वहाँ आपको सेप्टिक टैंक बनाने की आवश्यकता नहीं है। छोटे शहर जहाँ पे सीवेज डिस्पोजल की कोई खास व्यवस्था नहीं है, पब्लिक व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, सेप्टिक टैंक बनाना पड़ता है। सेप्टिक टैंक क्यों बनाते हैं, देखिए सेप्टिक टैंक आमतौर पे जो जनरल प्रैक्टिस होती है उसमें तो क्या होता है, जो भी आपका सीवेज है वो हम जो डिच होता है, डिच बना देते हैं, उसे हम बोलते हैं सोक पिट्स बना देते हैं, मतलब एक गड्ढे टाइप कर देते हैं, और उस गड्ढे में डायरेक्ट हम क्या करते हैं, हमारा सीवेज डाल देते हैं। लेकिन दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि जो आसपास की सॉइल है, क्योंकि सीवेज के साथ क्या है आपका ह्यूमन एक्सक्रीटा, मतलब जो मल होता है वो भी साथ में जाता है, तो वो मल होता है वो क्या करता है, सॉइल को कंटेमिनेट करता है, कंटेमिनेशन करता है, मतलब सॉइल को क्या करता है, ख़राब करता है। तो कंटेमिनेशन ऑफ सॉइल। तो इसलिए हमें चाहते हैं कि जो भी सॉलिड वेस्ट है वो हम सॉइल तक ना पहुंचाए। तो अब देखिए जो भी पानी होगा, हालांकि सीवेज का पानी तो अभी भी कहाँ जाएगा, सोक पिट में ही जाएगा, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ हम क्या जा रहे हैं, उसमें लगभग 90% तक पानी है, मैं सॉलिड ना के बराबर है, सॉलिड हमने सारे क्या कर दिए, यहाँ पर सेटल डाउन कर दिए, और यहाँ पर डिसलजिंग के द्वारा, ये मतलब इस वाले होल से हम इसको बाद में बाहर निकाल लेंगे। देखिए ये रहा डिसलजिंग चैम्बर, ये वाला है, यही वाली चीज़ है, डिसलजिंग पाइप के द्वारा, डिसलजिंग चैम्बर की हेल्प से हम यहाँ पर जो भी हर एक साल में दो साल में क्या कर लेंगे, इसका स्लज साफ कर लेंगे, ठीक है। और 1:10 और 1:20 का ये स्लोप होता है इसके बेस में, जिससे कि जो भी सेटल्ड सॉलिड है वो धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पर आ जाए। तो ये इस टाइप का कुछ, ये आप देख सकते हैं कि इस टाइप से ये इसकी कुछ कार्यप्रणाली है।
तो अभी हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हैं और फटाफट इसको समझते हैं कि इसकी डिज़ाइन करें। देखिए ये जो स्लोप है जैसे 1:10 1:20 जो आप डायग्राम में देख रहे हैं ये तो कांस्टेंट रहेगी, बिफल वाल भी रहेगी। यहाँ पे एक बिफल वाल में ओपनिंग भी है कि जो भी सॉलिड है वो यहाँ ओपनिंग से यहाँ आ जाए। एक नीचे एक ओपनिंग भी दी जाती है, ओपनिंग देने का पर्टिकुलर तरीका होता है, बीच बीच में सपोर्ट दिया जाता है और ओपनिंग दी जाती है, ठीक है। तो ये तो हो गई बात इसकी जनरल। हमें ऊपर एक एयर वेंट पाइप है क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्लज है, ह्यूमन मल है और कई प्रकार के गार्बेज हो सकते हैं जैसे सब्जियों का कचरा हो सकता है, तो इससे क्या होता है गैस बनती है। तो गैस यदि ज़्यादा बन गई तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे किसी प्रकार का ब्लास्ट हो सकता है, तो जरूरत से ज़्यादा गैस हो गई तो गैस निकालने की भी व्यवस्था की जाती है, एयर वेंट पाइप इसके अंदर दिया जाता है। मैन होल कवर है, यदि इसको साफ करना है नीचे उतर के तो दो मैन होलों का कवर या एक कवर भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे एक इस वाले सेक्शन में दे दिया मैन होल, एक इस वाले में दे दिया। आउटलेट है, फ्री बोर्ड कुछ ना कुछ रखना होता है, आपको पता ही है। तो इस टाइप से ये पूरा का पूरा काम करेगा। अब एक इसका हम एक डिज़ाइन एग्जांपल दे देते हैं। इसका साइज़ डिपेंड करेगा कि आपके घर में, देखिए ये आप सेप्टिक टैंक एक घर के हिसाब से भी बना सकते हैं, एक कॉलोनी के हिसाब से भी बना सकते हैं, छोटी कॉलोनी बड़ी नहीं, छोटी कॉलोनी के हिसाब से भी बना सकते हैं। तो डिपेंड करेगा कि आपकी सोसाइटी में, आपकी कॉलोनी में, आपके घर में कितने लोग हैं, उसके हिसाब से इसके प्लान के डायमेंशंस हम डिसाइड करेंगे, प्लान और इसकी डेप्थ। ओके, तो अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन में लिख देता हूँ, डिज़ाइन द डायमेंशंस, डिज़ाइन द डायमेंशंस ऑफ ए सेप्टिक टैंक, ऑफ ए सेप्टिक टैंक फॉर ए स्मॉल कॉलोनी कॉलोनी ऑफ 150 पर्संस प्रोवाइडेड विथ ए शॉर्ट वाटर सप्लाई फ्रॉम द म्यूनिसिपल। मतलब इनकी वाटर सप्लाई कितनी होती है, देखिए वाटर सप्लाई पे ही सीवेज की क्वांटिटी डिपेंड करती है। 120 लीटर पर पर्सन पर डे, LPD लीटर पर पर्सन पर डे या लीटर पर कैपिटा पर डे, ठीक है। और यदि कोई डाटा नहीं दिया हुआ है तो अज्यूम एनी डाटा इफ नॉट गिवन, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन है, देखते हैं। देखिए क्वांटिटी ऑफ वाटर सप्लाइड क्वांटिटी हो जाएगी, देखिए 120 लीटर पर पर्सन पर डे है और कितने पर्सन रह रहे हैं, 150, तो टोटल कितना हो गया, इतना हो गया 120 × 150 मतलब 18,000 लीटर पर डे, ठीक है। तो ये तो पानी आ रहा है, मतलब जो वाटर सप्लाई है पर डे पूरी कॉलोनी में कितनी हो रही है, 18,000 लीटर। अब देखते हैं कि इतनी वाटर सप्लाई के बाद कितना सीवेज प्रोड्यूस होगा। द क्वांटिटी ऑफ सीवेज प्रोड्यूस्ड कितना हो जाएगा, जितना भी आपकी सप्लाई है उसका 80%, मतलब हमें मानते हैं कि वाटर सप्लाई का 80% मतलब 0.8 टाइम्स आपका क्या हो जाता है, सीवेज में कन्वर्ट हो जाता है, 14,400 लीटर पर डे, ठीक है। तो सीवेज कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 14,400 लीटर, क्योंकि जितना सीवेज प्रोड्यूस होगा इसका जो प्लान एरिया है, जो भी प्लान एरिया है उसी हिसाब से तो होगा, पानी की जितना सीवेज आएगा उसी हिसाब से जितना सीवेज की क्वांटिटी होगी। देखिए अब जो डिटेंशन पीरियड होता है ना, मतलब कि जैसे कोई भी पानी आया और कितनी देर इसमें रुका, तो पानी जैसे घुसने के बाद यहाँ बाहर कब निकला, इस पूरे टाइम को ही हम क्या बोलते हैं, डिटेंशन टाइम बोलते हैं। तो डिटेंशन टाइम जनरली हम रखते हैं 24 घंटे, ठीक है ना। मतलब कोई पानी, यदि आज कोई कण सीवेज का आज सुबह आया तो कल सुबह वो बाहर निकल जाएगा, कहने का मतलब 24 घंटे डिटेंशन पीरियड, 24 घंटे तक वो टैंक में ही रहेगा। तो द क्वांटिटी ऑफ सीवेज प्रोड्यूस, देखिए तो पर डे का मतलब वही 24 आवर्स, तो 24 आवर्स में 14,400 लीटर सीवेज बनता है,
तो हर 24 घंटे के अंदर जो भी आपके सेप्टिक टैंक में सीवेज आएगा वो कितना आएगा, 14,400। तो द क्वांटिटी ऑफ सीवेज प्रोड्यूस्ड सीवेज रिड्यूस्ड ड्यूरिंग द डिटेंशन पीरियड ड्यूरिंग द पीरियड, तो ये हो जाएगा 14,400 × 24/24। ऐसे क्यों किया, देखिए 24 आवर्स में कितना आता है 14,400, तो 1 आवर में कितना जाएगा 14,400/24, तो 24 आवर्स में कितना जाएगा, तो मान लीजिए यदि 18 घंटे डिटेंशन पीरियड होता तो 24 की जगह कितना हो जाता, 18 घंटे आ जाता है ना। तो ऐसे आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारा क्या है डिटेंशन पीरियड इतना ही है, तो हम इसको अभी इतना ही ठीक है। तो ये आपकी आ गई 14,400 लीटर ठीक है। नाउ अज्यूमिंग द रेट ऑफ डिपॉजिटेड स्लज, मतलब जो नीचे स्लज आपका डिपॉजिट होता है यहाँ पर, ये वाला जो स्लज है ना आपका, दिस इज योर स्लज, तो इसके डिपोजिशन की रेट हम मानते हैं, क्योंकि देखिए इसकी जो टोटल वॉल्यूम आ रहा है उसमें सीवेज तो आ ही रहा है, साथ साथ में क्या है स्लज भी है, तो स्लज को भी तो देखना पड़ेगा कि कितना, इतना तो सीवेज आता है तो स्लज कितना है ठीक है। नाउ अज्यूमिंग द रेट ऑफ डिपॉजिटेड स्लज द रेट ऑफ डिपॉजिटेड स्लज एज 30 लीटर पर कैपिटा पर ईयर ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ स्लज डिपॉजिटेड वॉल्यूम ऑफ स्लज डिपॉजिटेड इक्वल टू 30 × 150 × 1 ईयर में, एक साल में, तो एक साल में क्या है मतलब 30 लीटर एक आदमी एक साल में स्लज बनाता है, तो 150 आदमी कितने बनाएंगे, इतने बनाएंगे, तो हो गया 4,500 लीटर। तो टोटल रिक्वायर्ड कैपेसिटी ऑफ टैंक कितनी आ गई है, कैपेसिटी फॉर सीवेज + कैपेसिटी फॉर स्लज तो सीवेज के तहत तो 14,400 इसकी है 4,500 तो ये आपकी आ गई है 18,900 लीटर ठीक है। देखिए आप डेप्थ आप अज्यूम कर सकते हैं, डेप्थ जैसे हम 1.5 मीटर लगभग आपकी 5.5 फीट के आसपास जाती है, तो इतनी डेप्थ काफ़ी होती है, इससे ज़्यादा रखने की कोई खास आवश्यकता भी नहीं है, तो ज़्यादा रखेंगे तो थोड़ा नीचे उतर के वापस आने में दिक्कत होती है, इसलिए 1.5 मीटर इज़ ओके। 1.5 मीटर इज द डेप्थ ऑफ द टैंक देखिए वॉल्यूम बराबर क्या होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू डेप्थ, तो डेप्थ मैंने मान ली ठीक है, तो वॉल्यूम हमारे पास कितना है टोटल 18,000, तो लेंथ इंटू विड्थ ये कितनी हो जाएगी वॉल्यूम अपॉन डेप्थ, वॉल्यूम कितना है 18,900 और डेप्थ कितनी मान ली मैंने 1.5 मीटर, तो लीटर को मैं चेंज कर देता हूँ मीटर में, तो 10^-3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा मीटर क्यूब में, लीटर को मैंने चेंज कर दिया है मीटर क्यूब में, क्योंकि नीचे मीटर था इसलिए ऊपर वाली क्वांटिटी भी मीटर क्यूब में ही होनी चाहिए थी, तो इसलिए मैंने लीटर को चेंज कर दिया है मीटर क्यूब में, तो 10^-3 से मैंने क्या कर दिया उसको डिवाइड कर दिया ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल ये आ जाएगा 12.6 मीटर स्क्वायर, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई, यदि लेट L/B रेशो लेंथ अपॉन विड्थ रेशो ठीक है, एक L/W रेशो बोल दूँ, लेंथ अपॉन विड्थ रेशो मैं मान लेता हूँ 3:1, तो लेंथ बराबर 3 विड्थ,
अब ये वाली चीज़ मैं यहाँ पे रख देता हूँ, 3 विड्थ इंटू डब्ल्यू इक्वल टू 12.6, तो डब्ल्यू आ जाएगा रूट 12.6 बाई 3 आ जाएगा 2.05 मीटर। इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, इसको बोल देते हैं 2.1 मीटर, ठीक है। तो 2.1 मीटर तो लेंथ आ जाएगी, 3 इंटू विड्थ क्या जाएगा 6.3 मीटर। तो साइज़ क्या हो गया आपका, लेंथ हो गई 6.3, विड्थ हो गई 2.1 और डेप्थ हो गई 1.5 मीटर, ठीक है। अभी 1.5 मीटर में भी हमें मान लेते हैं 0.3 मीटर मतलब 300 mm के आसपास क्या है, फ्री बोर्ड है। फ्री बोर्ड क्या चीज़ होती है, फ्री बोर्ड होता है आपका ये वाली जगह देखिए, ये वाली, ये हमको खाली रखनी पड़ती है, एकदम टॉप पे नहीं ले जा सकते आप इसको, थोड़ा सा आपको इसको खाली रखना पड़ेगा फॉर प्रेशर, प्रेशर मेंटेन करने के लिए, नहीं तो पानी का फ्लो रुक जाएगा, ठीक है। तो 1.5 में 0.3 और ऐड कर देंगे तो साइज़ हमारा निकल के आ गया 1.8 मीटर। तो दिस इज़ योर आंसर, ये आपने साइज़ फिक्स कर दिया। आपको साइज़ आप यहाँ पे दे सकते हैं, ये तो हो जाएगी आपकी अंदर से अंदर, अंदर से अंदर टोटल लेंथ हो जाएगी आपकी कितनी 6.3 मीटर, ये आपकी विड्थ हो जाएगी अंदर से अंदर, विड्थ कितनी थी हमारी 2.1 मीटर, और इसकी डेप्थ, जो डेप्थ आएगी यहाँ तक लगभग ये थी आपकी 1.8 मीटर। तो इस टाइप से हम एक सेप्टिक टैंक का डिज़ाइन कर सकते हैं, ऐसा सवाल आपके क्वेश्चन में भी आ सकता है। और एज एन आर्किटेक्ट आपको ज़रूरत पड़ सकती है, कभी भी आप किसी भी बी क्लास सी क्लास सिटी में आप मकान बना रहे हैं, कॉलोनी बना रहे हैं, तो आपको सेप्टिक टैंक बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये डिज़ाइन एग्जांपल आपके उस टाइम बहुत काम आने वाला। धन्यवाद, इस लेक्चर में इतना ही।